तो जहां तक हथियारों की बात होती है, रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी टिकता नहीं है। और बात हम सैटर्न 2 की करने जा रहे हैं, जिसमें रूस का दम साफ तौर पर नजर आता है। और सैटर्न 2 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्यों ये घातक साबित हो सकती है और क्यों इससे डरने की जरूरत सभी को महसूस होगी। देखिए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रख रहे हैं। एक साथ 15 न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकती है सैटर्न 2। 116 फीट लंबाई और इसका जो वजन है वो 220 टन है। एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सैटर्न 2 सक्षम है। 18,000 किलोमीटर तक इसकी टारगेट रेंज बताई जाती है। डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है सैटर्न 2। इसके साथ ही आपको बता दें, इसकी जद में कौन कौन आ सकता है? ब्रिटेन का हर शहर इसकी जद में आ सकता है, अमेरिका का भी हर शहर सैटर्न 2 की जद में आ सकता है, फ्रांस का हर शहर इस मिसाइल सिस्टम की जद में आ सकता है, जर्मनी का हर शहर इसकी टारगेट पर आ सकता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का हर शहर भी इसकी जद में आ सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। द्विवेदी सर, सैटर्न 2 जो रूस का दम है उससे साफ तौर पर झलकता है कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है इन तमाम देशों के लिए। देखो, ये एक स्ट्रेटजिक हथियार है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेटर है। इससे पता वो बताना चाहते हैं कि वो हर एक हिस्से को कवर कर सकते हैं, चाहे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है। अगर ये मिसाइल वो साइबेरिया में भी लगाते हैं तब भी ये सारा कवर कर सकते हैं। और ये एक संदेश है चाहे वेस्ट के लिए या अमेरिका के लिए या उनके एलाइज के लिए, कि अगर ये युद्ध न्यूक्लियर की तरफ बढ़ा तो उनके पास ये बहुत घातक हथियार हैं। पर मैं साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर नवंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी आशंका बहुत कम है, क्योंकि हर एक के कमांडर्स को पता है, लीडर को पता है कि न्यूक्लियर के कितने अंजाम सीरियस हो सकते हैं। क्यों ये युद्ध और अभी नहीं होगा के लिए अभी काफी कुछ कन्वेंशनल डोमेन में काफी बचा हुआ है, और जब तक वो नहीं एक्सप्लॉइट होता न्यूक्लियर डोमेन पर नहीं जाएंगे। इससे पहले कि अगली खबर पर जाए, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्विक रिएक्शन, क्या ये मैसेज अमेरिका को, पूरे वेस्ट को दिया जा रहा है कि यूक्रेन से तो हम लड़ लेंगे, हमारे टैंक होंगे, ये सब रिजर्विस्ट ही संभाल लेंगे, आपके लिए बड़े बड़े हथियार तैयार हैं, तैनात हैं। आशीष, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से लेके आज तक रूस ने बार बार अमेरिका को ही चेतावनी दी है कि रूस की जो IRBMs हैं, अभी जो MIRV छोड़ी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रीएंट्री व्हीकल, ये बहुत ही पावरफुल और खतरनाक है। अगर अमेरिका ने कभी गलती से भी ये जरूरत की कि उसने रूस की तरफ टेढ़ी आंखों से कोई मिसाइल लॉन्च किया, तो रूस ये बताना चाहता है कि वो अमेरिका को तुरंत एक घंटे में ही बिल्कुल सर। और यही सवाल है देवनाथ सर कि कितना सिग्निफिकेंट है जब रूस सैटर्न 2 के जरिए अपना दम दिखा रहा है ऐसे वक्त में जब वेस्ट लगातार रशिया के टारगेट पर बना हुआ है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।